आज बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि आपको 11वीं 12वीं में काम आएगी और कंपटीशन के लिए भी काम आएगी। और आज बात करेंगे एकदम बेसिक्स की, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं वेरी क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये स्टडी ऑफ कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स है ना। तो कार्बन को ही हम अकेले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है अपनी एक खास प्रॉपर्टी के कारण। क्या है वो प्रॉपर्टी? कैटिनेशन। कैटिनेशन के चलते वो आपस में ही चेन जोड़ जोड़ के वैरायटी ऑफ कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक है, जब शुरुआत में लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे तो जो शुरू के वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि ये जो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, यानी उनको और किसी वाइटल फोर्स के कारण बने हैं और उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, और ये गलतफहमी भी जल्दी ही दूर कर ली गई। तो ये है शुरुआती हिस्ट्री। अब आइए समझते हैं कार्बन के कुछ मेन प्रिंसिपल्स, है ना। हम समझेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में, और फिर कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्टेट रूल क्या है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, उससे आपका एटॉमिक नंबर गाइड होता है। ठीक है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, अपने पढ़ा होगा शुरुआती के चैप्टर्स में, 1s2, 2s2, 2p2, है ना। तो जो s है, s क्या है? s ऑर्बिटल्स हैं इसके, और p भी ऑर्बिटल है, और 1, 2 है ये इसका एनर्जी फील्ड है। 1 हुआ आपका जो एनर्जी फील्ड है वो न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम है, जहां पर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो s का क्या शेप होता है? एस का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, टेनिस बॉल के समान, या फिर आपका जो रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, उसकी भांति। और जो सबसे बाहर का गोला होता है, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, वो सारे रिएक्शन आपके वहीं से होते हैं, और उस पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही आपके जितने केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं उसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो अपने कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, जो सेकंड वाले ऑर्बिटल में है, 2s2 2p2, ये जो 4 हैं ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एस ऑर्बिटल के बारे में हमने अभी थोड़ी सी बात की, स्फेरिकल होता है, है ना, इसको एक गोले की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पी ऑर्बिटल है ये आपका डम्बल, यानी वो कसरत करने वाला होता है ना, जिम में जाते हैं हाथ से उठाते हैं, दोनों साइड गोले होते हैं, बीच में पतला सा होता है, तो वो उस शेप का होता है। और आपका एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक भी रह सकता है, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। पी में कितने रह सकते हैं? पी में टोटल 6 रह सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपका 3 डायमेंशनल में, एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ और जेड एक्सिस हुआ, तो एक्स वाले को पी एक्स मान लेते हैं, y वाले को py नाम रख देते हैं और z वाले को pz नाम रख देते हैं। और ये तीनों ऑर्बिटल हैं, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हर एक में रह सकते हैं। और ऑर्बिटल क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें से, इस जो शेप है इनमें से कहीं भी हो सकता है, इसका 90-95% चांस है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और यही ये जो शेप है वो निरूपित करता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर पी वाई पर होगा आपका पी ऑर्बिटल तो ऐसा दिखेगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो ऐसा दिखेगा, और एक्स वाला तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अभी थोड़ा एनर्जी स्टेट देख लेते हैं। तो हमने कार्बन में देखा था 1s ऑर्बिटल है, 2s है और 2p है। s में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, तो 1s में भी 2 हो सकता है, 2s में भी 2 हो सकता है, और पी में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 2 प्रत्येक px, py और pz। ठीक है, कार्बन के पास कितने हैं? कार्बन के पास तो टोटल 6 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है,
तो 1s में 2 हो जाएंगे और नीचे से भरना शुरू होता है, जो न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिटल है 1s, वहां पर सबसे पहले भरेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाहर वाले की तरफ जाएगा। तो 1s में 2 दे दिया, बाकी बचा अपने पास 4, उसमें से 2s में 2 दे दिया और बाकी जो 2 बचे वो p में जाएंगे, एक एक दोनों में, ठीक है। अच्छा, जब कार्बन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी कि रिएक्शन करने का जब टाइम आता है तो वो इस स्टेट में आ जाता है, यानी बाहर के जो 2s और 2p के ऑर्बिटल हैं वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में नजर आते हैं, और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 अपने अपने अलग अलग बक्से में नजर आते हैं ताकि रिएक्शन करने के लिए रेडी हों, यानी वो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो उठ के अपना चला जाता है आपका पी में, है ना। उसके बारे में थोड़ा सा थोड़ी देर में ही बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा एक मोटा मोटी देख लेते हैं, है ना, एनर्जी लेवल क्या आपका। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं 1s, 2s और 2p, उसमें एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा? 2p का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 2s का होगा और सबसे कम 1s का होगा, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हुआ? 1s सबसे नजदीक होगा, उसके बाद 2s आएगा और सबसे बाद में 2p आएगा, ठीक है। अब जो एनर्जी लेवल का जो रिलेशन है, स्टेबिलिटी का उल्टा रिलेशन हो जाता है ना, जो कि आपका न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जो 1s सबसे नजदीक में जो ऑर्बिट आता है, ऑर्बिटल आता है, उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और वो चूंकि सबसे ज्यादा नजदीक है तो न्यूक्लियस उसको सबसे ज्यादा मजबूती से बांध के रखेगा, और जो बाहर वाले हैं वो उतना मजबूत पकड़ उसकी नहीं रहेगी, थोड़ा ढीला होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स है वो 1s की सबसे ज्यादा होगी, 2s की उसके बाद होगी और 2p की सबसे कम होगी, ठीक है। तो जो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी के, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये भी एक टर्म है कि जो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे, बाहर वाले ऑर्बिटल्स की ओर जाएंगे, कम होगा, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन 1s का होगा, उसके बाद घटेगा 2s में, उसके बाद सबसे कम 2p में हो जाएगा। ये मोटा मोटी 3 का देखते हैं। 3 का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम कार्बन पे आएंगे इसमें, ठीक है। और ये मोटा मोटी आप आगे के ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो ये फॉलो होगा रूल। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो मोटा मोटी जो मेन टाइप के बॉन्ड्स हैं वो 2 होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, बट जो मोटा मोटी मेन टाइप के हैं बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अब आप बोलेंगे बॉन्ड क्या चीज है ना। बॉन्ड वो होता है कि जब 2 एटम्स साथ में आते हैं, रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, है ना, इस प्रोसेस में उनके बीच लिंकेज बन जाता है, ठीक है, और ये आपका बॉन्ड हो जाता है। और बॉन्ड बनाने के बाद ये अपना स्टेबिलिटी बढ़ा लेते हैं, इसलिए वो रिएक्शन फीजिबल होता है ना। नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस बहुत स्टेबल होता है, बहुत बिल्कुल रिएक्शन करेगा ही नहीं करेगा। तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जिनके पास नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से रिएक्शन करके, बॉन्डिंग करके, और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाए, यानी कि स्टेबल हो जाए जैसा कि नोबल गैस है। नोबल गैस क्या चीज़ है? जो आपका हीलियम हुआ, ऑर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, ज़ेनॉन हुआ, रेडॉन हुआ, ये सारी चीज़ें। तो जो ऑलमोस्ट सारे नोबल गैस हैं हीलियम को छोड़ के, वो सारे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो अपना जो एलिमेंट है या फिर बॉन्डिंग है कंपाउंड में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जो बॉन्ड बनता है वो फॉर मोस्ट केसेस ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, यानी कि बॉन्डिंग का ये मतलब हुआ कि अपने एक एलिमेंट के पास ऑक्टेट नहीं है, बाहरी जो ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो साझा कर लेते हैं या फिर एक दूसरे को दे देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, है ना। जैसे ये एग्जांपल अगर देखें सोडियम का, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। आप अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 11 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और लिख के देखिए 1s2 2s2 2p वगैरह वगैरह। तो जो लास्ट का ऑर्बिटल होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, उसमें आपको 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और क्लोरीन है उसमें 7 दिखेंगे, ठीक है। तो अगर सोडियम 1 दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके जो नया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल दिखता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, और क्लोरीन का तो 7 दिख रहा है, 7 1 मिल गया तो 8 हो जाए, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना
जो कि लेन देन से बना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, ये आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। और ये आयोनिक बॉन्ड सारे डायरेक्शन में इक्वली स्ट्रांग होता है, यानी कि कुछ इसमें डायरेक्शनल नेचर नहीं, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसका अपोजिट है, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता बल्कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, है ना। और उसका जो नेचर है वो काफी डायरेक्शनल होता है, इसलिए हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, आपका पी ऑर्बिटल है वो डंबल की तरह है। तो ये क्यों बात कर रहे थे, ये आपको आगे समझ में आएगा जब रिएक्शन की बात करेंगे, आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे और आगे अल्केन अल्कीन्स वगैरह पढ़ेंगे या फिर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो इसका शेप अगर आपको यहाँ समझ में आ जाता है तो आगे वो चीज़ ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत आसानी होगी रटने में, मतलब बहुत कम रटना पड़ेगा, है ना। कोई चीज़ अगर आप समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ जाता है तो रटने में मुश्किल नहीं होती, बल्कि बहुत कम रटना पड़ता है ना। तो इसको थोड़ा आगे समझेंगे कि इसका डायरेक्शनल नेचर क्यों पड़े, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको क्लियर ना हो, बट जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा समझेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। आइए अभी कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन कैसा होता है वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन है, तो अपना छोटा सा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का, वो अपना स्फेरिकल शेप में दिख रहा है। कैसा शेप है, अभी हमने बात की थी गुलाब जामुन रसगुल्ले का जो स्फेरिकल शेप होता है वो अपना एस ऑर्बिटल का शेप है। तो अगर हमने दो ऐसे हाइड्रोजन एटम निकाले और उसमें रिएक्शन करवाया तो बन जाता है क्या, H2 हाइड्रोजन गैस। तो दो हाइड्रोजन एटम आपस में रिएक्ट करके H2 कंपाउंड बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं, और वो क्या करते हैं आपस में शेयर करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम टाइप का कॉन्फिगरेशन बना लेते हैं, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपका हीलियम की तरह का नोबल गैस की तरह का ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट आपका जो हीलियम है जो एक नोबल गैस है उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बना ले रहा है। तो जब ये शेयरिंग होती है दो स्फेरिकल हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल्स की तो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है ना। आपने वो काली वाली मिठाई देखी होगी जो गुलाब जामुन लंबा वाला होता है, तो कुछ उस तरह का शेप हो जाता है कि ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं और थोड़ा इलोंगेट हो जाते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है इस तरह से, जो आपका एक तरह से कहिए कि साइडवेज ओवरलैप हो गया, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको नाम हम देते हैं इस तरह के बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का है, शेप हमने समझ लिया और बॉन्ड का नाम समझ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एटम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, है ना। तो ये अपना इस केस में क्या, दोनों हाइड्रोजन है, बीच में उनका न्यूक्लियस है जहां पे प्रोटॉन वगैरह है, तो पहला जो हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है उनके बीच का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है, है ना। अब बॉन्ड लेंथ क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इस पे सवाल आते हैं, ठीक है। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ हायर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप शेप समझ लें, एस ऑर्बिटल है वैसे ही छोटा है, स्फेरिकल है, और बॉन्ड लेंथ इसमें कम होता है, और चूंकि बॉन्ड लेंथ आपका कम हुआ कंपेयर टू सम ऑफ द अदर बॉन्ड्स तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, एक और चीज, एक और टर्म होता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज गिवन ऑफ जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन ऑफ व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या उसको उल्टा समझ लें कि किसी बॉन्ड को तोड़ना हो, कोई बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो जितनी एनर्जी उसको लगेगी तोड़ने के लिए वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, ठीक है। तो स्मॉलर द बॉन्ड हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना स्टेबल होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी उसमें। तो ये टर्म हम अभी डिफाइन कर रहे हैं और आगे चल के हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड शेप को देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि उनका लेंथ और ये एनर्जी कैसे आपस में वेरी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये फ्लोरीन का एग्जांपल है, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, है ना। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। तो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 पहला ऑर्बिट में दो गया, 2s2 सेकंड जो आपका ऑर्बिटल है उसमें दो गया, और 2p5 सेकंड वाले में अगला जो एनर्जी स्टेट है पी है 5 चला गया, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 2p5 में, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में मान लेते हैं कि y में 2 है,
जेड में दो हैं और एक्स में एक बच गया, तो जो ये एक बच गया है ना, उसमें अगर एक और मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट बन जाएगा, यानी 2p में s में दो है, p में दो है, 5, 2, 7 ऑलरेडी हैं, और एक अगर और मिल जाता है या एक शेयर हो जाता है तो ये ऑक्टेट बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा ये कंपाउंड। तो उसके लिए होगा क्या कि जो px में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये पिक्चर में सिर्फ px देख रहे हैं, बाकी को भी भूल जाते हैं बाकी कहाँ है ऑर्बिटल। तो px और px मतलब एक फ्लोरीन का px और दूसरे फ्लोरीन का px साइडवेज आके जो बॉन्ड बनाता है ना, ये जैसे हमने अभी देखा था कि हाइड्रोजन में एस और एस मिलके बना दे रहे थे बॉन्ड, वैसे ही यहाँ पे फ्लोरीन का जो पी है, एक का पी और दूसरे का पी मिलके जो साइडवेज ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, वो आपका फिर से सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, यानी एक और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दो आ गए शेयरिंग में, और जो बीच का स्ट्रक्चर हो गया वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इलांगेट हो जाता है, तो ऐसा आपका पी ऑर्बिटल का ओवरलैप से ये फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अभी टाइम आ गया है थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सुटेबल फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो मिक्स करते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है, जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से आपस में पेयरिंग हो जाए आपके बॉन्ड्स की, इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं। ये पहला एग्जांपल है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड के हिसाब से इसको समझेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी आप s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच का अगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो इसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी 1s 2s और 2p हम बनाते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम के पास 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो है, टोटल 4 ही है उसके पास। अभी एक प्रमोट कर देते हैं 2s से 2p में, ठीक है। तो आपका 1s में तो दो है ही और उसको कोई मतलब नहीं है, वो VSL वैलेंस बॉन्ड नहीं है, और 2 जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, 2s में एक आ गया, 2p में एक और आ गया, ठीक है। तो ये जो जो वैज्ञानिक है हमारे, उन्होंने देखा कि जो बेरिलियम क्लोराइड का बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी स्टेट जो दोनों क्लोरीन वाले बॉन्ड हैं उनका डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये दो अलग अलग ऑर्बिटल में हो ही नहीं सकता, नहीं तो जो शेप ऑफ बॉन्ड होता वो डिफरेंट होता। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये दो अलग अलग ऑर्बिटल नहीं होंगे, बल्कि इनके बीच का कोई ऑर्बिटल होगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है ना, ये आपका एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं और मोर स्टेबल स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका एनर्जी कम हो गया थोड़ा और ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल स्टेट आ गया। तो होता क्या है कि बिटवीन 2p और 2s एक बीच का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, जहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इसको हम नाम देते हैं sp, क्योंकि ये s और p के बीच में आ गया है ना। इसको थोड़ा और समझते हैं। अभी s का कैसा शेप है, s का हमने देखा था रसगुल्ले वाला, गुलाब जामुन वाला शेप था, गोला स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का डम्बेल वाला शेप था, है ना। अब ये दोनों अगर कंबाइन होकर बीच का कुछ ऑर्बिटल बनाते हैं तो कैसा बनेगा, तो ये इसको जोड़ देते हैं इस तरह से, s को इधर से और इधर से p को, तो ये आपका बन जाता है कुछ इस तरह का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। एक छोटा लोब बन जाता है और एक बड़ा लोब बन जाता है। अभी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सिर्फ बड़ा लोब दिखाते हैं, छोटे लोब को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो sp ऑर्बिटल हो गया वो डायरेक्शनल हो गया, एक डायरेक्शन में आप देखोगे तो ज्यादा है। अभी तक हमारा पी और एस जो था वो काफी सिमेट्रिकल था न्यूक्लियस के हिसाब से, बट अभी जो sp ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा एक डायरेक्शन में ज्यादा आ गया, तो इसका जो डायरेक्शनल नेचर है वो बढ़ गया, ठीक है। अब बेरिलियम का हम देखते हैं कि sp ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। तो नॉर्मल स्टेट में हमने देखा 1s में दो है इलेक्ट्रॉन, 2s में भी दो है, 2p में एक भी नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में आया जहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो उसमें 1s में तो दो रह गया, लेकिन 2s और 2p के बीच में दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो अभी दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। पिछले वाले इमेज में हमने देखा था कि एक स्फेयर के हिसाब से हमने एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया था, अभी दो आ गए, तो दो आपके 180 डिग्री पर आ जाएंगे, ठीक है।
और ये उसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी जितना स्पेस में अपने आप को एक दूसरे से दूर कर लें उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए इसका जो शेप हो जाता है वो 180 डिग्री पे हो जाता है ना। ऐसे भी सोचें कि इलेक्ट्रॉन है सेम आपका चार्ज है, और सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो एक दूसरे को जब रिपेल करेगा तो वो बिल्कुल ऐसा पोजीशन खोजेगा कि एकदम एक दूसरे से दूर हो, और 180 उसमें एकदम फिट बैठता है। ठीक है, तो BClII का जो है बेरिलियम क्लोराइड का वो कैसा बनेगा, तो ये क्लोरीन का आइटम आ गया, क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ गया आपका डम्बेल शेप का, उधर से आपका बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, तो यहाँ पर पी और sp मिलके सिग्मा बॉन्ड आपके बनाते हैं। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में था आपने बेरिलियम के पास में, और क्लोरीन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसको शेयर कर लेते हैं और दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, और ये वाला भी बॉन्ड भी साइडवेज ओवरलैप से बना है, तो सिग्मा बॉन्ड होगा और थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, जो हमने लंबे वाले गुलाब जामुन की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो उस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया, अब sp2 की बात करते हैं कि sp2 क्या होगा, शेप कैसा होगा, और उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का। ठीक है, बोरॉन में अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1, एक इलेक्ट्रॉन को जो 2s में है उसको प्रमोट कर देते हैं 2p में। क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपका 2 जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जब इसको आपको रिएक्शन करवाना होगा तो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी पेयरिंग के लिए, है ना। और अभी हमने देखा था कि जो फाइनली बॉन्ड बनता है, जिसको वैज्ञानिकों ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जो रिएक्शन के बाद जो 3 फ्लोरीन जो बोरॉन से जुड़े हैं BF3 के, वो तीनों बॉन्ड में कुछ अंतर नहीं है, तीनों सेम से दिखते हैं, तो इसलिए माना गया कि नहीं ये कुछ बीच का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, मतलब 2s और 2p दो अलग अलग ऑर्बिटल नहीं होंगे बल्कि बीच का हाइब्रिड बन गया होगा। तो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या क्या मिल रहे हैं, 2p मिल रहे हैं ऊपर वाले, और नीचे से एक s है वो मिल रहा है ना, तो टोटल 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जा रहे हैं, और ये 3 sp2 बन जा रहे हैं क्योंकि 2p के मिले थे और एक s का मिला था, तो ऐसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। अब उसके शेप पे आते हैं। ठीक है, तो शेप इसका कैसा हो जाएगा, अभी हमने बात की थी कि s और p मिलता है ना, तो डायरेक्शनल बन जाता है, तो s और 2p मिलेंगे तो डायरेक्शनल नेचर उनका कंटिन्यू रहेगा, और चूंकि 3 बॉन्ड बनेंगे और आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस तरह कुछ एंगल बनेगा जिससे इलेक्ट्रॉन स्पेस्ड आउट हो, है ना, तो इसलिए यहाँ पे 120 डिग्री का बन जाता है और शेप हो जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर। इसी प्रकार से sp3 को समझते हैं, बिल्कुल जो हमने कॉन्सेप्ट पहले देखा था sp में, sp2 में, sp3 का भी वैसा ही होगा। इसमें कार्बन का ले लेते हैं, मीथेन का एग्जाम्पल CH4 का ले लेते हैं, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका देखा जाए 1s2, 2s2, 2p2, और एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हैं गोइंग बाय द सेम लॉजिक s वाला, तो 3 p में हो जाएंगे, एक s में हो जाएगा, और ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 p को और एक s को मिक्स किया है तो बन जाएगा sp3, और जो एनर्जी लेवल होगा sp3 का वो 2p और 2s के बीच का होगा। ठीक है, तो अपने 4 ऑर्बिटल हो गया, 3p 1s के sp3 बन गया। इसका शेप कुछ ऐसा दिखता है, स्टेबल होने के लिए टेट्राहेड्रल जैसा, बॉन्ड का एंगल 109.5 डिग्री का आ जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है, sp में, sp2 में और sp3 में, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s घटता है ना, sp में कितना है, 50% है s का कैरेक्टरिस्टिक्स, sp2 में कितना है, 33% है, 3 में से एक भाग है, और sp3 में 25% रह जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s जो है वो घटता है। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था p का जो है वो डायरेक्शनल नेचर होता है, s जितना सिमेट्रिक है, स्फेरिकल है, p वैसा सिमेट्रिक नहीं है, डायरेक्शनल हो जाता है, तो जितना p डालिएगा उतना ही आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से। अच्छा, स्टेबिलिटी का क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, हमने s में भी देखा था,
कि जितना आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ता है, स्टेबिलिटी कम होती जाती है। और ये स्टेबिलिटी को के लिए थोड़े थोड़े डिफरेंट टर्म है, स्ट्रेंथ भी कहते हैं, एंथैल्पी भी कहते हैं, वो सब एक ही चीज़ है। तो वो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और एंथैल्पी घटेगा। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या होगा, अभी हमने बात की थी, वो बढ़ेगा। और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है ना। ठीक है, अभी समरी देखते हैं, हमने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन देखा। क्या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि सुटेबल हो जाएगा पेयरिंग के लिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। किस किस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखे हमने, sp देखा, sp2 देखा, sp3 देखा। sp एक s और एक p से बनता है, sp बनाता है, एग्जाम्पल है BeCl2, शेप हो गया लीनियर। sp2 में एक s, दो p, sp2 बनाएगा, एग्जाम्पल हमने देखा था BF3, शेप था ट्रायंगुलर प्लेनर। और sp3 का देखा था हमने मीथेन का एग्जाम्पल, शेप था टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वाले में हम देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, और उसके लिए थोड़ा विजुअल हम लोग देखेंगे कि पाई बॉन्ड किस तरह से आएगा और सिग्मा बॉन्ड से वो कैसे डिफरेंट है, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर एक बार आप पाई बॉन्ड को समझ लेते हैं तो आगे आपको काफ़ी आसानी होगी। और ऐसे किताब में तो काफ़ी आपको फॉर्मूले वगैरह मिल जाएंगे और शायद कुछ हद तक मदद भी करेगा, लेकिन थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अगर थोड़ा विजुअलाइज करके थोड़ा सा डीप जाके उसको समझते हैं तो आगे जाके कुछ कठिन प्रश्न भी आएंगे आपको, तो सॉल्व करना आसान होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। और यहां तक आपने देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।